कांग्रेस के जो शाहजादे हैं ना, उनके गुरु अमेरिका में रहते हैं। ये कांग्रेस के शाहजादे के एक गुरु अमेरिका में रहते हैं। उन्होंने भारत के लोगों पर रंगभेदी टिप्पणी की है, रंग के आधार पर भेद, ऐसा गंभीर आरोप लगाया है। अरे जिनका रंग भगवान कृष्ण जैसा होता है, कांग्रेस उन्हें अफ्रीकन मानती है, और इसलिए द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बने, उन्हें ये मंजूर ही नहीं था। आप लोग बताइए, यहां जो भगवान कृष्ण के रंग वाले हैं, क्या वो सब अफ्रीकन है क्या? क्या ये अपमान है कि नहीं है? क्या आदिवासी समाज का अपमान, इसका बदला लेने के लिए ये रंग की बातें कर रहे हो? साथियों, कांग्रेस पार्टी का एजेंडा कितना खतरनाक है, ये शहजादे के गुरु ने इसका भी खुलासा किया है। ये शहजादे के गुरु ने अमेरिका से कहा है कि राम मंदिर का निर्माण और रामनवमी का उत्सव ये आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ है, भारत के विचार के खिलाफ है। उन्होंने यहां तक कह दिया, मोदी मंदिर जाता है वो भी उनके पेट में चूहे दौड़ने लग जाते हैं। कांग्रेस, मेरा मंदिर जाना भी भारत विरोधी है। बताइए भाई, क्या मंदिर जाना ये देशद्रोह है क्या? जरा आप बताइए, देशद्रोह है क्या? क्या ये भारत विरोधी काम है क्या? आप कल्पना कर सकते हैं? आप कांग्रेस की मानसिकता देखिए, ये राम के देश में राम मंदिर को देश विरोधी बता रहे हैं। ये तुष्टीकरण के लिए सरकारी इफ्तारी करने वाले लोग, ये आतंकवादियों की कब्रों को संवारने वाले लोग, ये हम सब के प्रभु राम, और जिनका राम मंदिर, जहां हम जाते हैं उस राम मंदिर जाने को देश विरोधी बता रहे हैं।